तो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब टुडे वी विल बी सीइंग द टाइप्स ऑफ कल्चर कि व्हाट इज मैटेस्टिक कल्चर व्हाट इज नॉन मैटरियलिस्टिक कल्चर व्हाट इज कल्चरल लैग व्हाट इज असिशन व्हाट इज अ कल्चराइजेशन व्हाट इज संस्कृताइजेशन एंड व्हाट इज रियल कल्चर व्हाट इज आइडियल कल्चर तो जितने भी कल्चर के टाइप्स हैं आज वो सब हम लोग देखने जा रहे हैं

टाइप्स ऑफ़ कल्चर कल्चर तो सबसे पहले हम लोग के बारे में बताएंगे एज वी ऑल नो तो कल्चर का हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे कि सोसाइटी और कल्चर आपस में मिले रहते हैं वो दोनों आ, को अलग नहीं किया जा सकता है कल्चर इज रिलेटेड टू सोसाइटी कल्चर गिव्स एन आइडेंटिटी टू सोसाइटी एक यूनिक आइडेंटिटी देता है सोसाइटी को हर सोसाइटी का अपना हर एक अलग कल्चर होता है डिफरेंट सोसाइटी हैव डिफरेंट कल्चर्स तो ऐसे ही आप लोग को जितना भी मैंने प्रीवियस वीडियो में कल्चर के बारे में बताया था वो सारा आप लोग को इसमें लिख देना है एज ए इंट्रोडक्शन नाव अब आपको टाइप्स पे आना है अब टाइप्स में क्या है सबसे पहले मटेरियलिस्टिक कल्चर ठीक है और एक कैसे था मटेरियल कल्चर तो मटेरियल कल्चर इज बाय इट्स नेम जो भी फिजिकल थिंग्स होती है दैट आर क्रिएटेड बाय मैन एंड वी कु भी चीजें हैं वी कैन टच एंड दैट ऑल आर क्रिएटेड बाय मैन दैट कम्स अंडर मटेरियलिस्टिक कल्चर अब इसमें क्या क्या आता है अब जैसे आर्टिफैक्ट्स आ गया एंड ऑल द डिफरेंट टेंजिबल थिंग्स ये सब जितना मैं बोल रहा हूँ आप लोग सब लिखते रहिए नोट्स में ठीक है एंड एग्जाम्पल के रूप में वी कैन राइट दैट क्लोदिंग फूड है तो ये सारा आपका मैटे मेटेरियल कल्चर में आ गया अब इसका ठीक उल्टा नॉन मटेरियल कल्चर मेटेरियल कल्चर में क्या था वी कुमें क्या होगा वी कॉन्ट टच थिंग्स दीस आर जस्ट थॉट और आइडियाज दैट मेक अप अ कल्चर एंड दैट कांट बी टच ठीक है ये बस थॉट्स होते हैं आइडियाज होते हैं इनको हम लोग छू नहीं सकते हैं दिस ड इंक्लूड्स आर्ट इफेक्ट एंड ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेजल थिंग्स कम्स अंडर और फॉल्स अंडर नॉन मटीरियल कल्चर अब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा कमेंट करिए बिलो कमेंट करिए नीचे ठीक है तो एग्जाम्पल क्या होगा सोचिए तो एग्जाम्पल होगा जैसे लैंग्वेज ठीक है लॉज हो गए नॉर्म्स हो गए वैल्यूज हो गए ये सभी आ आगे आपका नॉन मटेरियल कल्चर में इट इज नाउ कम टू द कल्चरल लैग अब देखो कल्चर लैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड ये हर समय आपका एग्ज़ाम में आता है अब जैसे होता क्या है कि जो अभी हम लोग ने पढ़ा मटेरियल कल्चर एंड एक हम आ, हम लोग ने पढ़ा कि नॉन मटेरियल कल्चर तो होता क्या है कि जो मटेरियल कल्चर होता है ये बहुत ही तेजी से चेंज करता है बट नॉन मटेरियल कल्चर इतनी तेजी से चेंज नहीं कर पाता है ठीक तो यही जो डिफरेंस बनता है ना ये दोनों में ये आगे बढ़ गया ये अभी तक यहीं पीछे है तो ये जो डिफरेंस बनता है इसी को हम लोग कहते हैं कल्चरल लैग द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज़ डिफाइंड एज कल्चरल लैग और ये डिफरेंस क्यों बनता है क्योंकि जो मटेरियल कल्चर होता है ज़्यादा तेजी से दे, दे, वो होता है चेंज होता है बट जो नॉन मटेरियल कल्चर होता है वो पीछे रह जाता है तो यही जो एक गैप बनता है culture, इसी को हम लोग कहते हैं कल्चर लैग नाउ लेट कम टू द आइडियल कल्चर अब देखो आइडियल कल्चर में मैं जैसे डेफिनेशन बोल रहा हूँ आप लोग लिखिए कल्चर विस कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज नॉर्म्स एंड बिलीफ That society claims to follow. एक बार फिर से बोल रहा हूँ कल्चर विच कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज नॉर्म्स एंड बिली दैट सोसाइटी क्लेम्स टू फॉलो मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना आइडियल आइडियल नेशन आइडियल नेशन मतलब कि जितने भी रूल्स हैं जितने भी नॉर्म्स हैं वो सारे सोसाइटी फॉलो कर रही है तो अब जैसे मतलब कि इंडिया में प्रोविज़न है कि पॉवर्टी नहीं होगी तो मतलब हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं मतलब कि इंडिया में पॉवर्टी नहीं है इंडिया में बहुत अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है इंडिया में एजुकेशन की कोई कमी नहीं है मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं हम उसे उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें जिससे कोई भी आ, समाज में बुराइयाँ नहीं है तो दैट इज़ ओनली आइडियल कल्चर ठीक है और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी uh, के कारण जो सोसाइट रेट्स ख़त्म हो जाए ठीक है देन हर तरफ हैप्पीनेस हो ठीक है मतलब कि ये एक इमेजनरी सिचुएशन है जैसे कि अब जैसे मैंने अभी ये बताया कि इंडिया में सोसाइड रेट्स एकदम ही खत्म हो जाए ज़ीरो हो जाए एंड हर तरफ बस खुशहाली हो हैप्पीनेस हो सब लोग इन्जॉय कर रहे हो बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ ना सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है कंट्री में प्रॉब्लम है तो इसीलिए इसको बोला गया है आइडियल कल्चर अब वॉट इज़ रियल कल्चर मतलब कि जो तुम्हारी रियल सिचुएशन है कंट्री की वही इज़ तुम्हारा रियल कल्चर एग्जिस्टिंग और प्रेजेंट कल्चर ऑफ सोसाइटी इज वॉट रियल कल्चर अ लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स एग्जिबिट इन रियल कल्चर लाइक प्रॉपर्टी रेप एंड यू कैन से थेफ्ट जितनी भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की सारी आ जाती है रियल कल्चर में अब नाम ही से देखो ना आइडियल कल्चर मतलब ये मेरे आइडियल हैं ठीक है ये दिस इज़ माई आइडियल तो मतलब कि ऐसा कुछ जिसमें कोई कमी ना हो सब अच्छे से फॉलो हो रहा हो दैट इज़ आइडियल कल्चर हर तरफ हैप्पीनेस हो हर तरफ खुशहाली रहो सब इन्जॉय कर रहे हैं एंड व्हाट इज़ रियल कल्चर ये तुम्हारी रियल सिचुएशन बताता है सोसाइटी की कि सोसाइटी में क्या क्या दिक्कतें हैं पॉवर्टी की दिक्कत है हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ की दिक्कत है सैनिटेशन की दिक्कत है स्कूल कॉलेजेस की दिक्कत है प्रॉपर एजुकेशन की दिक्कत है सेफ ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कत है तो जितनी भी दिक्कतें दैट ऑल कम्स अंडर रियल कल्चर इसकी डेफिनेशन मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग और द प्रेजेंट कल्चर ऑफ सोसाइटी इज बॉट रियल कल्चर सो

ठीक है तो अब अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेडफील्ड इन्होंने बताया कि जब दो कल्चर अब जैसे यहाँ इंडिया है एंड यहाँ यू है अब इंडिया का अपना अलग कल्चर है यू का अपना अलग कल्चर है बट जब दो कंट्रीज़ आपस में अपना कल्चर इंटरचेंज कर ले दैट इज़ ओनली अ कल्चराइजेशन इसको हम लोग और भी देख सकते हैं अब यहाँ पे हम लोग बना दिए रूरल एंड यहाँ पे हम लोग बना दिए अर्बन अर्बन वाला रूरल का कल्चर ले लिया रूरल वाला अर्बन का कल्चर ले लिया मतलब कि जब दो सोसाइटी एक दूसरे का कल्चर इंटरचेंज एक्सचेंज कर लेते हैं किसने दिया था कॉन्सेप्ट ठीक है सिंपल अब अस नाउ कम टूमेशन अब आसिम्लेशन में क्या है कि वेंट टू और मोर कल्चर वेंट टू कल्चर मीट्स टूगेदर एंड कल्चर डोमिनेट्स ओवर अदर कल्चर मतलब कि दो कल्चर एक साथ मिल रहे हैं एंड एक कल्चर इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि वो दूसरे की एग्जिस्टेंस एकदम खत्म कर देता है दूसरे कल्चर की एग्जिस्टेंस एकदम खत्म कर देता है दैट इज वॉट असिम्युलेशन ओके अब नाउ लेट अस कम टू द संस्कृतिकेशन एंड संस्कृतिकेशन जो कंसेप्ट था वो एम एन श्रीनिवास ने दिया था इसे आप लोग नोट कर लीजिए दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय एम एन श्री निवास इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था अब इन्होंने क्या कहा था कि जब जो लोअर क्लास है वो अपर क्लास का कल्चर फॉलो करने लगे ट इज़ ओनली सेंस्क्रटाइजेशन जब अपर कास्ट का कोई भी आदमी अपर लोअर कास्ट का कोई भी आदमी अपर कास्ट का कल्चर फॉलो करता है ठीक है तो उसे कहते हैं सेंस्क्रटाइजेशन सो विद वी कंप्लीट आर टॉपिक एंड इफ यू हैव टू जॉइन जुडिशरी कोचिंग और फाउंडेशन बैच हैज़ बीन स्टार्टेड यू कैन ज्वाइन हर्ष बरी सर जिनके पास थर्टी वन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है सर के व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिखे हैं आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं तो दिस कंप्लीट्स आर वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग लास्ट टॉपिक फाइनली पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पर्सनैलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ही मजा आने वाला है तो मिलते हैं कल बाय बाय